मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिबोनाची सीरीज होता क्या, किसी को पता है क्या यस सर। क्या होता है, क्या होता है बताओ तो। सर उसमें जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, वो अपने प्रीवियस दो नंबर्स का सम होता है। ठीक है, बचपन में हम लोग पढ़े थे इसको कभी ना कभी, 9th या 10th में कहीं पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि मान लो स्टार्टिंग के डिजिट रहते हैं 0 और 1, ठीक है। अब थर्ड डिजिट कैसे बनेगा, दोनों को ऐड करके बनेगा। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पिछला दो डिजिट ऐड होगा, ठीक है, कौन कौन सा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब पिछला दो डिजिट, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 8 क्या होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 8 प्लस 13 क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। ठीक है, 13 प्लस 21 कितना हो जाएगा, कितना होगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये सीरीज आगे चलते जाएगा। समझ में आया फिबोनाची सीरीज क्या होता है। अब इसका लॉजिक क्या होगा सोचो, ठीक है। 0 और 1 पहले से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो एज इट इज 0 और 1 प्रिंट होना चाहिए, एज इट इज 0 और 1 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब पिछला दो डिजिट है, पिछला दो डिजिट है हमारे पास, ठीक है। तब क्या होगा, अब मान के चलो ये है N1, ये है N2, क्या हुआ, फर्स्ट डिजिट है N1, सेकंड डिजिट है N2, ठीक है। मैं लिख देता हूँ N1 N2, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या है, 0, N2 की वैल्यू क्या है, 1, पहले से हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है, मतलब क्या करना है, N1 प्लस N2 करना है, ठीक है। तब हम लोग को थर्ड डिजिट मिलेगा, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, N1 प्लस N2 करना है, तब हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को किसको प्रिंट करना है, N1 प्लस N2, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक और वेरिएबल ले लेंगे, N3, ठीक है। कौन सा वेरिएबल ले लेंगे, N3, ठीक है। N3 को हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, N3 की वैल्यू, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो N3 की जगह पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम लोग का जो वैल्यू होगा, N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू दोनों अपडेट होगी, क्या होगा, N2 की वैल्यू जो है N1 में चली जाएगी और N3 की वैल्यू जो है N2 में चली जाएगी, क्या होगा, ये N3 है, ठीक है। इसको ऐसा समझो, N1 N2 N3, ठीक है। दो N1 और N2 का ऐड किए तो मिला है हम लोग को N3, ठीक है। N3 जनरेट होने के बाद N1 और N2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कैसे कैसे होगा, N2 की वैल्यू किस में चल जाएगी, N1 में चल जाएगी, N3 की वैल्यू किस में चल जाएगी, N2 में चल जाएगी, ठीक है। तो N1 और N2 की वैल्यू अपडेट हो गई, मतलब नई वैल्यू हम लोग को मिलेगी, ठीक है। फिर से ऐड होगा, फिर से N3 में जाएगा, फिर से N1 N2 अपडेट होगा, इस प्रकार से चलते जाएगा हम लोग का, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। चलो प्रोग्राम हम लोग का समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में, ठीक है। न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट फिबो नाकी सीरीज, ठीक है। हम लोग इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले, फिबो
ना कि, चलो फिबो डॉट सी मैं कर देता हूँ इसका, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन io डॉट एच, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, void main ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ गेट सी एच, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, क्या क्या वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं int n 1 ले लेता हूँ, इसको मैं जीरो जीरो से इनिशलाइज कर देता हूँ, ठीक है। n 2 मैं ले लेता हूँ और इसको मैं 1 से इनिशलाइज कर देता हूँ, क्लियर। और एक वेरिएबल ले रहा हूँ n 3, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल्स लेता हूँ, यहाँ पे i जो है लूप के लिए यूज़ होगा, और num हम लोग एक ले लेते हैं जो हम लोग लूप को एंड करने के लिए, मतलब जितने भी नंबर्स हम लोग को जनरेट करने, मतलब लूप कितने बार चलेगा उसके लिए हम लोग बताएंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कर लेते हैं clrscr, क्लियर स्क्रीन। अब हम लोग नम में इनपुट ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी टर्म्स लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिए, ठीक है। स्कैन एफ से क्या करेंगे, हम लोग इनपुट ले लेंगे, स्कैन एफ में हम लोग यहाँ लिखेंगे परसेंट डी कॉमा डाल के यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम परसेंट नम, ठीक है। यहाँ पे नम में जितनी वैल्यू होगी तब तक लूप चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर लूप, कौन सा लूप लगा रहा हूँ, फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आई को इनिशलाइज करेंगे 2 से, क्यों 2 से इनिशलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ एन वन में 0 और 1 एज इट इज़ हम लोग को प्रिंट कर देना है। क्या करना है हम लोग को, एज इट इज़ पहले से हम लोग को प्रिंट कर देना है, ठीक है, समझ में आया। एज इट इज़ क्या करना है हम लोग को, प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लूप स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, किसका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो, ठीक है। यहाँ पे दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ वैल्यू को, एन वन और एन टू की वैल्यू को मैं यहाँ पे पहले से प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा परसेंट डी स्पेस परसेंट डी, ठीक है, कॉमा डाल के एन वन कॉमा एन टू, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ स्लैश एन, ठीक है। अब हम लोग का लूप स्टार्ट होता है, लूप चालू हो रहा है 2 से, ठीक है। इसको एज्यूम करो कि एन वन लूप जो चल रहा था 1 है और ये 2 है, ठीक है, सॉरी 0 है और 1 है, ठीक है। लूप चालू होगा हम लोग का 2 से, और कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन नम तक, ठीक है, आई इज लेस देन नम, ठीक है। और कितना स्टेप चलेगा, सिंगल स्टेप चलेगा, मतलब आई प्लस प्लस, ठीक है, क्लियर इतना। अब हम लोग को क्या करना है, एन वन में वैल्यू है 0, एन टू में वैल्यू है 1, ठीक है। दोनों को ऐड करना है, एन वन प्लस एन टू, ठीक है। दोनों को ऐड करके हम लोग किस में डाल देंगे, एन थ्री में डाल देंगे, क्लियर। दोनों ऐड हो गया, मतलब 0 प्लस 1 हो गया, तो कितना आएगा, एन थ्री में वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। एन थ्री की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब एन टू की वैल्यू हम लोग को किस में डाल देना है, एन वन में डाल देना है। एन वन में किसकी वैल्यू डाल देंगे, एन टू की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब 2 खाली हो गया, एन टू खाली हो गया, ठीक है। एन टू में हम लोग किसकी वैल्यू डाल देंगे, एन थ्री की वैल्यू डाल देंगे, एंट्री की
ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या प्रिंट करना है? N3 प्रिंट करना है, N3 को प्रिंट करना है। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, N3 को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग डबल कोट्स के अंदर M% D, और यहाँ पे N3 हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस F9 मैंने कंपाइल किया, कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, एक एरर आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है? fibo.c प्रिंट, कहीं गलती हो गया है। सर प्रिंटेफ नहीं है सर, प्रिंट हो गया। हाँ, यहाँ प्रिंट, ठीक है, F कभी कभी छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंपाइल करते हैं, वापस कोई एरर नहीं आया, और रन करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स, कितना डालूँ मैं? मान लो मैं 10 डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हुआ 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा स्पेस हम लोग दे देते हैं तो ये अच्छे से प्रिंट होगा। ठीक है, एक एक स्पेस दे दिया हम लोग, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ पर डाल रहा हूँ 10। ठीक है, क्लियर, सही यस आ रहा सर, आउटपुट? यस सर। ठीक है, एक बार और हम लोग रन कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग एक स्पेस देते थे। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स में यहाँ पे थोड़ा कोलन दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग वापस से इसको कंपाइल करते हैं और रन कर लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स यहाँ पूछ रहा है, तो मैं यहाँ डालता हूँ 15। ठीक है, तो 15 तक हम लोग को दिखाएगा। ठीक, तो ये है फिबोनाची सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एग्ज़ाम में भी आता है, प्रैक्टिकल्स में तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आता है, 100% आएगा ही आएगा, मान के चलो एक प्रोग्राम आएगा। ठीक है, क्लियर, प्रोग्राम समझ में आया? इम्प्लीमेंटेशन सर बना पाओगे इसका? बना लोगे पक्का? सर हाँ बोलो। सर एक बार सर फॉर्मूला बता दो ना सर, समझ नहीं आता वहां पास। फॉर्मूला नहीं समझ में आया? ओके, ठीक है, देखो फॉर्मूला कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले N1 में वैल्यू ले लिए 0। ठीक है, N2 में वैल्यू ले ली 1, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग भी जो होता है वो कहाँ से होता है? 0 और 1 से स्टार्ट होता है, तभी तो हम लोग को अगला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 0 प्लस 1 क्या कर रहे हैं? 0 प्लस 1 कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो हम लोग का डिजिट है वो दोनों प्रीवियस जो दो नंबर है उसको ऐड करके मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये नोटपैड में जो बताया था उसको देखना। ठीक है, यही सीरीज हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है कि हम लोग को प्रीवियस दो नंबर को ऐड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लिए, दो नंबर ले लिए, 0 और 1। N1 में हम लोग 0 ले लिए हैं, N2 में हम लोग 1 ले लिए हैं, इतना समझ में आया? देन उसके बाद हम लोग दोनों यस को N1 प्लस N2 करेंगे। यहाँ पे देखो, N1 प्लस N2 हम लोग किए, और उसको किस में डाल दिए, N3 में डाल दिए। ठीक है, जो अगला नंबर जनरेट हुआ है वो N3 है, वो क्या है, N3 है, N1 प्लस N2 इक्वल टू N3, बस ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इस हिसाब से देखते हो, N1 N2 N3। ठीक है, प्रीवियस दो नंबर को ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा। ठीक है, अब पिछला दो हम लोग को चाहिए,
क्या क्या चाहिए, एन टू और एन थ्री, ठीक है। तो दोनों को हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब एन टू की जो वैल्यू थी अब वो क्या हो जाएगी, एन वन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये दो हो गया है, अब ये दोनों की बारी। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन वन प्लस एन टू इक्वल टू एन थ्री। तो यहाँ पे ये वन जो था वो एन टू था और ये वन जो था वो एन थ्री था। तो अब ये वन जो है वो एन वन में डालना पड़ेगा और ये वाला वन जो है वो एन टू में डालना पड़ेगा, तब हम लोग को एन थ्री मिल पाएगा। आया समझ में, क्लियर यस सर। आया समझ। तो हम लोग वही चीज़ हम लोग इस प्रोग्राम में किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, एन थ्री जनरेट हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, एन टू की वैल्यू किस में डाल दिए, एन वन में डाल दिए, ठीक है। और एन थ्री की वैल्यू जो थी वो किस में डाल दिए, एन टू में डाल दिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एन थ्री की यस सर। वैल्यू प्रिंट करते जा रहे हैं हर लूप के लिए। और हम लोग लूप यहाँ स्टार्ट किए टू से, टू से उस नंबर तक चल रहा है। अगर मैं वहाँ वैल्यू डालता हूँ 10, तो टू से लेके 10 तक लूप चलेगा, मतलब कितने बार चलेगा, 8 टाइम्स चलेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। पक्का इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगा इसका कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा सर, बन इसका बन जाएगा जाएगा। पक्का यस सर। कि करके देख ले। चलो करके देख लेते हैं हम लोग एक बार, है ना, ठीक है। तो ये फिबोना की सीरीज है, हम लोग ने एन वन ले लिया, क्या ले लिया, 0, एन टू ले लिया 1, क्लियर है। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं हम लोग एन वन एन टू, और यहाँ ले लेते हैं एन थ्री, और यहाँ लेते हैं हम लोग लूप, और आई की वैल्यू क्या है, और यहाँ नम की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आई इज लेस देन नम, क्लियर, ठीक है। ऐसा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे एन वन की वैल्यू है वो 0 थी, एन टू की वैल्यू भी क्या थी, 1 थी, ठीक है। अब लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लूप चालू हो रहा है 2 से, आई की वैल्यू 2 होगी, यही होगा ना। हम लोग वो प्रोग्राम को यहाँ पे खोल लेते हैं, ठीक है, तब अच्छे से क्लियर होगा। बिन में चले जाते हैं और फीबो, ठीक है, ये प्रोग्राम को देखते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखते जाना, आई की वैल्यू है हमारे पास स्टार्टिंग में 2, ठीक है। टू इज लेस देन, मान लो नम की वैल्यू है 10, ठीक है, टू इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा, एन वन प्लस एन टू, यहाँ पे देखो एन वन प्लस एन टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एन टू इक्वल टू एन वन, मतलब एन वन इक्वल टू एन टू, एन टू की वैल्यू किस में चल जाएगी, एन वन में चली जाएगी। एन टू की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो एन वन में क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। एन थ्री में वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब वो किस में आ जाएगी, एन टू में आ जाएगी, ठीक है। तो एन टू की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। एन थ्री की वैल्यू किस में जा रही है, ये एन थ्री की वैल्यू एन टू में जा रही है, एन थ्री की वैल्यू थी 1, अब क्या हो जाएगी, एन टू की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब लूप की वैल्यू बढ़ेगी, 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। फिर क्या होगा, एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू क्या
क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब n2 की वैल्यू क्या थी, वन की थी, वैल्यू थी वन वन, थी ठीक है। n3 की वैल्यू क्या थी, टू थी, तो ठीक है। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है। जाएगी लूप की वैल्यू थी 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फोर। ठीक है। 4 इज़ लेस देन 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, और n1 + n2 क्या होगा, n3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। अब n2 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, n2 की वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। n3 की वैल्यू क्या थी, 3 थी। अब वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो n1 और n2 जो है अपडेट हो चुका है, ठीक है। i की वैल्यू थी 4, अब क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 इज़ लेस देन 10, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 + 3 क्या होगा, 5 हो जाएगा, बाय। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ n2 की वैल्यू थी 3, अब वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। n3 की वैल्यू थी 5, अब वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। i की वैल्यू +1 होगी, मतलब क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 < 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। फिर 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। n2 की वैल्यू थी 5, ठीक है। n3 की वैल्यू थी 8, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। 7 इज़ लेस देन 10, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो तो बना क्या है? n3 की वैल्यू क्या होगी, 13, ठीक है। फिर उसके बाद n2 की वैल्यू क्या थी, 8 थी। n3 की वैल्यू क्या थी, 13 थी, थर्टीन थर्टीन ठीक है, 13 थी। फिर उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। एट 8 इज़ लेस देन 10, हो और क्या होगा, n3 की वैल्यू जाएगी 8 प्लस टेन। 13 क्या हो जाएगा, 21 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू हो जाएगी 13, n3 की वैल्यू जो थी 21, अब किसकी वैल्यू हो जाएगी, n2 की वैल्यू, मतलब 21, ठीक है। 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 इज इज़ लेस लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। 13 + 21 क्या होगा, कितना, 34, ठीक है, 34 हो गया, ठीक है। अब 21 n2 की वैल्यू जो थी और n3 की वैल्यू क्या थी, 34, ठीक है। 34 अब वैल्यू क्या हो जाएगी i की, i की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, लूप खत्म। फॉल्स 10 + 1 होगा ना, कहाँ 10 + 1 होगा, आई प्लस प्लस होता है ना सर। हाँ तो 9 + 1 10 हुआ ना, हाँ सर ठीक है सर। 9 + 1 10 हो गया। जैसे ही 10 आ जाएगा लूप खत्म, क्योंकि लेस देन बोल रहा है, इक्वल टू नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा, आया समझ में। तो हम लोग का सीरीज क्या होगा, ये सीरीज होगा n3 अरे वाला, फॉल्स कंडीशन पहुंच गया। हाँ, फॉल्स में पहुंच गया, लूप खत्म हो गया। तो स्टार्टिंग में हम लोग की वैल्यू थी 0 और 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 5, फिर आया 8, फिर आया 13, फिर आया 21, फिर आया 34। n3 की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, n3 जो है हमारा फिबोनाकी सीक्वेंस है, क्लियर। समझ में आया इम्प्लीमेंटेशन कि नहीं आया, सर ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
ले लिए स्क्रीनशॉट। इसको कॉपी में भी नोट करना है ना, आउटपुट के साथ में, इम्प्लीमेंटेशन के साथ में नोट करना, तभी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग किए फॉर लूप के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे व्हाइल लूप,